तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। फाइनली आ चुके हम नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हमारा इंस्टाग्राम के बारे में। तो गाइस, इंस्टाग्राम एक न्यू फीचर है, न्यू अपडेट आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस। आप लोग को जानने के बाद बहुत ही मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, सिंपली से क्या करना है, आप लोग सबसे पहले जो इंस्टाग्राम है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली से गाइस, आप जो प्रोफाइल सेक्शन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस, आप लोग हम जो अपना डैशबोर्ड दिखता है सामने से, आप लोग को दिख रहा है एडिट प्रोफाइल का आइकन, उसके साइड में आपको दिख रहा है पे शेयर प्रोफाइल का आइकन। सिंपली से आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होता है गाइज, जो आप लोग को अपना जब इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करना होता है, यानी इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर करना होता है, तो क्या होगा गाइज, आप लोग जो अपना ये QR कोड है वो किसी को भी शेयर करके, यहाँ से आप लोग शेयर करके, आप लोग करने के बाद जो आपका QR कोड स्कैन करने के बाद आप लोग डायरेक्ट वो इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाएगा आपका, ठीक है। आप लोग से कॉपी लिंक करके उसको शेयर भी कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पे शेयर प्रोफाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक, आप लोग अदर ऐप्स पे शेयर कर सकते हैं। ये तो क्या आपका QR कोड के बारे में। और अगर आपके यहाँ पे अगर आप लोग को किसी और का स्कैन करना हो, तो यहाँ से आप लोग को QR कोड दिख रहा है स्कैन के लिए, सिंपली आप उसको ओपन करना है। यहाँ पे ओपन करना जो आपका स्कैनर वहाँ पे सिंपली से ओपन जाएगा, आप लोग यहाँ से किसी का स्कैन करके आप लोग QR कोड आप लोग उसका अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।